फाइनली हम वेन्यू में बैठ गए हैं, 1.5 महीना हो गया है गाड़ी की हाई पुट हुए, बट एज यूजुअल मैंने इसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं करा क्योंकि आपको पता है मेरे को जब तक ड्राइव नहीं मिलती तब तक मैं गाड़ी को जज नहीं कर पाता। बट बहुत सारे ओपिनियंस हैं जो मैं पहले से बता रहा था कि मुझे साइज से काफी छोटी लग रही है और लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको ब्रेजा इकोस्पोर्ट वगैरह से, बट अंदर बैठते सबसे पहले आपको कोई हैचबैक ही याद आती है, मतलब ये वाले डायल्स एग्जैक्टली स्विफ्ट जैसे लग रहे हैं, बट इट्स टोटली एन ऑल न्यू एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत सारी खास बातें हैं। इंजन इज वेरी रिफाइंड, सो दिस इज 1.4 डीजल जो ऑलरेडी मैं क्रेटा में भी चला चुका हूँ, जो ऑलरेडी i20 में भी आता है। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंजन इस बार क्या है, 1.0 टर्बोचार्ज GDI इंजन है जो 120 bhp बनाता है और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इंजन, और वो DCT ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन गियरबॉक्स आ रहा है तो उसकी टेस्ट ड्राइव मेरे को शायद कल परसों तक मिल जाएगी, तो देन आई विल पोस्ट इट, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट वन। बट द रीजन आई एम ड्राइविंग दिस नाउ इज फर्स्टली इट इज अवेलेबल एंड सेकंडली आई नीड टू नो हाउ द कार एक्चुअली बिहेव्स एंड हाउ द स्टीयरिंग इज, हाउ द कार इज, हाउ इट फील्स टू ड्राइव, हाउ इट फील्स टू बी इन साइड एंड और शहर में चलाने को कैसी है। सो बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो सबसे स्पेशल बात यह है कि ये अब तक का Hyundai का जो नई जनरेशन आ रही है, मतलब टोटली एक नई तरह की गाड़ी आने वाली है, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी न्यू फ्रॉम दिस कार ऑनवर्ड। सो ये उस नई जनरेशन की पहली कार है, सो इसके डायल, इसका स्टेयरिंग, इसका सामान, हर एक चीज इसकी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, तो जो आपने अब तक कभी किसी Hyundai में एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, बट आने वाली गाड़ी में करने वाले। सो बहुत सारी चीजें हैं विच आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ और बताना भी चाहता हूँ। पहली बात ये कि जो टच है हर एक चीज का, द फीलिंग इज वेरी गुड, द फीलिंग ऑफ एवरी पार्ट, मतलब हर एक चीज की क्वालिटी लेवल, फिट एंड फिनिश बहुत ज्यादा इंप्रूव लग रहा है। इंप्रूव क्या मतलब, बहुत ज्यादा ही बेटर लग रहा है। इट इज फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी हाई क्वालिटी, मतलब दिस कोई भी, मतलब गियर बॉक्स मेरे को लग रहा है कि पहले वाला ही है, बट द स्टेयरिंग इट सेल्फ इज वेरी नाइस टू होल्ड एंड द इंजन फील्स वेरी रिफाइंड। मैं AC लोएस्ट पर कर देता हूँ, इंजन का शोर है, द इंजन फील्स वेरी रिफाइंड देन बिफोर, स्टीयरिंग में थोड़ी सी डेडनेस लग रही है बट लेट्स सी हाउ इट फील्स। पर सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें बैठ के लगी है कि वो ये कि ये गाड़ी ओवर ही कॉम्पैक्ट है, मतलब कि अगर SUV से कॉम्पैक्ट SUV बनी तो कॉम्पैक्ट SUV से ये कॉम्पैक्टेस्ट SUV बन गई, बिकॉज इट फील्स एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट। और द रीजन मैं इसको कम जगह या छोटी नहीं बोल पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन इटसेल्फ, मतलब इन्होंने छोटे डिजाइन में छोटी जगह में मतलब लुक और शेप ऐसी दे दी कि आपको लगता नहीं है कि ये छोटी गाड़ी है, बट एक्चुअली ये छोटी है, मतलब सी कि मैं यहाँ तक आराम से शीशा टच कर सकता हूँ, ये वाली चीज में आराम से, मतलब बिना पीठ आगे कर आई कैन टच दिस एरिया, नॉर्मल बड़ी कार में आप नहीं कर पाते हो, या मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो मैं यहां तक पहुंच गया, नहीं तो नॉर्मल कार में पहुंच नहीं पाते हो। सो दिस कार इज वेरी कॉम्पैक्ट कार एंड ऑनेस्टली मैं नहीं मानूंगा कि ये ब्रेजा या इकोस्पोर्ट के कंपैरिजन में है, चाहे रेट वैसा है, बट इट इज मोर ऑफ लाइक द मिनी कूपर ऑफ बिग कार्स। So if you like to have a compact car that gives you all the luxury, all the feel, then I think this car should be good. But मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत space, road presence और उसकी feel आती है कि आपको SUV type feel चाहिए, तो मुझे अब तक इसे नहीं मिल रही है। Let me see अगर मैं height, seat height पूरी ऊपर कर लूँ तो ये अब मुझे धक्का सा लग रहा है, but even then गाड़ी की height उतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने seat ज़्यादा ऊपर कर ली। Let me go थोड़ा नीचे। So this looks like more of a crossover hatchback, which is done in a very well way. मैं थोड़ा यूज टू आ रहा हूँ गाड़ी के साथ। वी हैव दिस नी रेस्ट, सॉरी आर्म रेस्ट, द फिट एंड फिनिश ऑफ ये वाले सारे कंट्रोल्स, पावर विंडोज, शीशे, एवरीथिंग इज वेरी गुड, सब कुछ नया है। देर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग दैट इज ओल्ड, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो प्रीवियस जनरेशन का है। द बटन हेयर, द डिजाइन ऑफ द स्टेयरिंग व्हील बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही मजेदार सा, सब कुछ नया डिजाइन है। फीचर्स आपको ऑलरेडी इतनी लिस्ट मिल चुकी होगी, ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, वायरलेस चार्जिंग, प्लान मंगाना, सब कुछ Hyundai तो बेस्ट ही है फीचर में। इसमें ब्लू वाली ऐप है, ब्लू सिंक टेक्नोलॉजी, नहीं वो अभी एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, बट दिस इज द न्यू टच स्क्रीन इंटरफेस जो इनका है, इसके अंदर ब्लू स्क्रीन ऐप है। वाह यार, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही फ्लुएंट कोई एंड्रॉइड का टैब हो, ये मुझे लाइन लग रही है जैसे iPhone 10 का पैनल है, बट काइंड ऑफ लाइक इज द सेम। द टच स्क्रीन इज रियली वेरी गुड यार, मतलब और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है, तो यू नो फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, बट द कार इटसेल्फ इज फील्स अ लिटिल स्मॉल। सो आई फील लाइक द अलॉयज आर हैवियर देन दे शुड बी फ्रॉम द नॉइज दैट इज कमिंग फ्रॉम द जिटरी सेक्शन, अदरवाइज इट इज वेरी लाइट टू एम्बल अराउंड इन द सिटी। मतलब मैं आपसे बात करते करते मुझे पता चल रहा है ऑटोमेटिकली आई एम वेरी कंफर्टेबल,
साथ एक डे नाइट मिरर, डे नाइट इसी से होगा, दीज आर डिफरेंट फीचर्स जिसमें वॉइस असिस्ट और भी बड़ा कुछ है कि आप यहाँ से बात कर सकते हो कि ये वाला फीचर चाहिए, वो वाला फीचर चाहिए, या इमरजेंसी एस ओ एस वाले, वो ब्लू लिंक के ऊपर आप अलग से वीडियो देख सकते हो, दैट इज नॉट माई स्पेशलिटी. द सीट्स आर गुड इनफ, मतलब इंटीरियर में इट इज मोर लाइक एन एस यू वी दैट हैज अ लॉट ऑफ हेडरूम, मतलब ये आपको बैठ के पता लगेगा क्योंकि बाहर से लुक्स इतनी डिफाइंग है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बट जैसे ही आप इसको देखते हो तो आपको लगता है यार कि सब कुछ का 20% लेस हो गया साइज, बट द मोमेंट यू सिट इनसाइड एंड द फिट एंड फिनिश वो इसके साथ कॉम्पेंसेट कर देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रेदा जैसी गाड़ियों के रेट में ही है ये, बट फिर भी उससे बेटर है, क्यों है, या मतलब उस रेट में क्यों है अगर साइज भी कम है, तो ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी हर चीज की बहुत अच्छी रहती है, एंड कभी कभी आपको एक्स्ट्रा स्पेस या रूम की जरूरत भी नहीं होती, मतलब सम पीपल लाइक मी एक्चुअली वांट कॉम्पैक्ट कार्स. इको स्पोर्ट में भी ये इशू है कि वो बहुत ज्यादा खुली नहीं लगती, ब्रेदा बहुत खुली लगती, डब्ल्यू आर बहुत खुली लगती है, बट इससे तो खुली लगती है इस गाड़ी से, बट फिर भी जिसको वो चीज नहीं रिक्वायर्ड होती वो कहता मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, सारे कंफर्टेबली बैठे हूँ और सब कुछ मेरे हाथ पे हो, तो उनके लिए भी वो चलता है. तो इसमें तो एवरीथिंग इज वेरी हैंडी, मतलब यहाँ तक भी इतने आराम से हाथ जाता है, मतलब जरा सा भी स्ट्रेच नहीं है बाजू में, एवरीथिंग इज सो नियर टू यू, द डैशबोर्ड इज सो नियर टू यू. मेरा मन नहीं कर रहा इसको भगाने का, पता नहीं क्यों. गियरबॉक्स मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रेटा का ज्यादा स्मूथ था इससे, जबकि सेम इंजन है. आई डोंट नो कि गियरबॉक्स क्रेटा वाला या i20 वाला, बिकॉज इट्स अ 6-speed यूनिट, बट आई फील द क्रेटाज गियरबॉक्स वॉज वेरी लाइटर देन दिस वन. साइड पे भी लेदर स्टिचेज है, द सीट फैब्रिक इटसेल्फ इज वेरी अमेजिंग, यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, मेरी सियाज में बहुत कम है. दिस इज एयर फिल्टर जिसका नीचे कनेक्टर है यहाँ पे, दिस इज अ गुड थिंग. मतलब वही ना यार, मतलब फील और प्रीमियमनेस में दे आर ऑलवेज द बेस्ट. वी हैव गॉट द सनरूफ हियर, और जो वेन्यू के प्राइसेस है ना यार, मतलब इसका हर एक फीचर, हर एक वेरिएंट, मतलब आपको जरूरत से ज्यादा फीचर देता है इसके कंपैरेटिव गाड़ियों से. सो वही बात है, इन्होंने मतलब मैं कॉस्ट कटिंग नहीं कहूंगा, मतलब एक थोड़ा रूमिनेस कम करके गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, हर एक चीज बहुत ही अच्छी बनाई है. So you will not get this feel in even the top model of Brezza, not even in WRV. और इको स्पोर्ट में फील लेने जाओगे तो बहुत महंगी आती है, एंड आई थिंक इट हैज वेरी गुड प्राइजेस. वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, पुश स्टार्ट तो है ही है, एवरीथिंग इज सो हैंडी हियर. द स्टीयरिंग इज मोटराइज्ड, लेट्स सी नाउ. डायल्स मुझे याद दिलाते हैं इटालियन डिजाइन का, मतलब कि Hyundai का कभी भी ऐसा नहीं था, मतलब मुझे इसको देख के लीनिया की याद थोड़ी ज्यादा आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट दीज आर मोर ऑफ लाइक एन इटालियन डिजाइन रादर देन अ कोरियन डिजाइन, बिकॉज पिछले वाले जितने Hyundai के टाइल्स रहे हैं बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट रहे हैं. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये भी सारे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है, एवरीथिंग इज सो एट हैंड. पीछे बैठ के देखेंगे आई थिंक कल वाली ड्राइव में. ये पैनल भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब क्रेटा वाला जो यहाँ पे यूनिट आता है टच स्टीयरिंग वाले कंट्रोल्स का, उससे बहुत ज्यादा बेटर फीलिंग वाला. लेट अस सी थोड़ा भगा के, वैसे मुझे पॉइंट नहीं लगता इतना क्योंकि ऑलरेडी इट्स द सेम इंजन, बट लेट्स सी हाउ द राइडर इज हैंडलिंग इट. NVH levels also feels little hatchbacky. Creta has more refinement. Once I started driving it a little harsh, then I can feel that. I wanted it to be a better driving car, but I think it is not. I just think because of it, मैंने शुरू करा नहीं. एक बड़ा इंजन, बड़ी पावर, एक छोटी कार और एक रेज्ड सस्पेंशन, दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बो जो मुझे फ्री स्टाइल में बहुत पसंद आया. बट फ्री स्टाइल इज नॉट ए प्रीमियम कार, उसके अंदर फीलिंग फिगो वाली आती है, बट फ्री स्टाइल की ये बात अच्छी है कि वो बहुत पावरफुल कार और बहुत कॉम्पैक्ट डिजाइन में है. सो
So this is one segment above freestyle in all manners because it is a compact SUV. And I wish to have that same feeling. Ki bahut sari power, bahut light gadi ka control. But I don't know why I'm not able to get it. Because the steering is lacking feeling. I think Creta has a much better steering, the present Creta. Gearbox tight hai yaar, itna nahi hota hai Hyundai ka. जब ये गाड़ी पहले देखी ना मैंने, पहले जब मुझे पता लगा कि इसका साइज बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, तो मुझे इसको देख के फील ये आ रही यार ये ड्राइविंग में कितनी फाड़ होगी। बट यार मैं अभी शहर के अंदर हूँ और टर्बो लाग इतना ज्यादा है कि मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट ही लग रही है और हैवी, क्योंकि मेरे को टर्न लेते वक्त डर लग रहा है, स्लो करनी पड़ रही है। We are not able to get that comfortable behind the wheel. और steering precision भी नहीं आ रही है। दोनों से भी ख़राब तरह से निकल गई। I think we'll have to wait for the highway drive of that 1.0 GDI. मैं गाड़ी के dynamic थोड़े समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि खड्डों में से भी हिल तो रही है। अगर स्लो स्पीड में खड्डों में हिल रही है, that means ये हाईवे में बहुत जम के भागेगी। नई वाली ड्राइव की वेट करनी पड़ेगी, ये मैं ऐसे खींचता रहूंगा इधर उधर। बट अदर देन दैट द फर्स्ट इंप्रेशंस वर क्वाइट एज आई टोल्ड यू डिफरेंट। वी आर बैक, सो वी आर एट ग्रोवर हुंडई। सो ग्रोवर हुंडई वर काइंड इनफ टू गिव मी दिस कार ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ऑन द लॉन्च डे इटसेल्फ। तो आज गाड़ी शोरूम में आई और आज उन्होंने ड्राइव के लिए दी भी। आपका नाम क्या भैया? अजय कुमार। सो ही इज मिस्टर अजय कुमार हु इज विद मी एंड हु इज हेल्पिंग मी एंड हु इज अलाउइंग मी टू डू दिस एंड ऑल्सो मतलब वो फोन भी पकड़ रहे हैं, दैट इज अ बिग थिंग। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड अ वेरी गुड डील। सो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड डू मेक श्योर टू कॉल देम, बिकॉज अगर आपके कॉल इनको ज्यादा आएंगे तो मेरे को अगली बार भी टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी देने से मना नहीं करेंगे। डेफिनेटली। सो बाकी लेट्स वेट टिल द अनदर वीडियो ऑल्सो। अभी दो चार चीजें थी वो मैं थोड़ी देर में कंक्लूजन वीडियो में बता देता हूँ। ओके बाय। सो फाइनली आई एम बैक इन माई ओन कार द सियाज इटसेल्फ। सो काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं गाड़ी में नहीं बोल पाता बिकॉज द सेल्स गाइज डेफिनेटली मतलब दे आर बींग काइंड एंड मतलब इट इज़ अ कर्टसी दैट दे आर डूइंग विद मी। बट तो काफ़ी कुछ क्रिटिसाइजिंग वाले पॉइंट में नहीं बता पाता। सो अचानक ही जब आप गाड़ी में बैठते हो वो बहुत ज़्यादा छोटी लगती है और मुझे वीडियोज़ और फोटोज भी बहुत देर से लग रही थी। एंड माई वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर हैज़ ऑलरेडी बुक द वेन्यू एंड आज शायद वो भी देखने जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द वेन्यू इज गोइंग टू कम टू माई होम एंड वी कैन हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गुड रिव्यू ऑन इट, द ओनरशिप रिव्यू ऑफ इट। एंड उनकी भी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, सो मतलब जितनी मेरी चलती है एक्जैक्टली उतनी चलती है। तो भी महीने में 5-10 हज़ार उनकी, 5-10 हज़ार नहीं सॉरी, मतलब हर महीने में उनका भी 3-4 हज़ार चलने की उम्मीद रहती है उनकी गाड़ी। तो बहुत जल्दी देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द वेन्यू वंस दे बाय इट ऑफ कोर्स। बट नाउ सीइंग द साइज एंड एवरीथिंग इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट सीइंग दैट दे लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली वालों के लिए और टाइट शहरों के लिए बहुत अच्छी, आई थिंक सबको आदत ही होगी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी की। एंड क्योंकि आई थिंक मैं एक सेडान से कंपेयर कर रहा हूँ तो बहुत फर्क पड़ता है, जैसे इधर मतलब मेरा हाथ वेंट तक भी जाने के लिए मेरे को आगे थोड़ा सा झुकना पड़ता है। सो उस गाड़ी में एवरीथिंग वाज़ आउट योर हैंड, मतलब जस्ट लाइक अ मिनी कूपर टाइप जैसे मैंने आपको पहले बोला। बट वो जो स्मॉलनेस वाली फीलिंग है, मतलब नो डाउट आप जितनी मर्जी चीज़ों की बात करोगे यार स्टेयरिंग ऐसा है, क्वालिटी ऐसी है, फिट एंड फिनिश ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यार मतलब वो एक कहते हैं ना कि देसी बात में यार कि यू आर पेइंग फॉर द साइज, यू आर पेइंग फॉर द स्पेस, राइट? मतलब पर स्पेस कितने पैसे दे रहे हो, मतलब द रीज़न आई बॉट दिस सियाज, राइट? कि मेरे कम पैसों में ज़्यादा स्पेस मिली। सो वो वाला फैक्टर कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट होता है, आपको कि
लेकिन एक लगता है यार कि जगह कम है, जगह कम है. सो वो वाली चीज को कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा. दूसरी, सिटी में चलाने के लिए इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, जस्ट लाइक एनी अदर हुंडई. आई डिडंट फील इट वेरी स्पेशल बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग द 1.4 डीजल. उसमें टर्बोलैग बहुत ज्यादा था, मैं उसको अच्छे से खींच नहीं पा रहा था. गियरबॉक्स उसका टाइट था, जैसे मैंने बताया. क्रेटा का वॉज वेरी कंफर्टेबल जो मैंने लास्ट 1.4 वाली चलाई. दैट फेल्ट वेरी मच मोर लाइवलियर. गूगल. सो दैट फेल्ट वेरी लाइवलियर देन दिस कार बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वॉट रीजन. मतलब सस्पेंशन मुझे लगता है या तो बहुत स्टिफ है, हाईवे पे बहुत ज़्यादा मजा आएगा चलाने में, या शायद बहुत ही मिसमैनेजमेंट्स है बिकॉज स्टेयरिंग प्रिसाइज नहीं है. और अगर सस्पेंशन स्टिफ है तो इट्स अ बैड कॉम्बो बिकॉज आप गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होगी बट आप स्टेयरिंग से अगर उसको अच्छे से फील नहीं करवाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो लेट्स होप हाउ द 1.0 GDI DCT इज गोइंग टू परफॉर्म बिकॉज दैट इज द मोस्ट अवेटेड इंजन एंड मोस्ट एक्साइटिंग इंजन आफ्टर ऑल. बट अब तक के फर्स्ट इंप्रेशंस डेफिनेटली जो वीडियो मैंने बोला आपको वहीं से निकालने पड़ेंगे. मैं एक अच्छा कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूँ बिकॉज फॉर द ड्राइव इट वॉज अ लिटिल कन्फ्यूजिंग वन. बट लेट्स होप कि हाईवे ड्राइव पे 1.0 GDI ड्राइव पे क्या होता है. ओके बाय, टेक केयर, लव यू.